बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आने वाले दिनों के दौरान मुल्क भर के मौसम में अचानक से पैदा होने वाली बड़ी तब्दीलियों, आज से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क भर की मुतवक्के मौसमी सूरत हाल, रमज़ान अल मुबारक के बकिया दिन और ईद अल फितर के दौरान मुतवक्के मौसमी सूरत हाल और ख़ास तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले तूफ़ानी बारिशों के नए सिलसिलों की बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बरए मेहरबानी वेदरवर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान भी के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान सुबह पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों के दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को। ताहम दलवर्ज तूफानी बारिशों के नए सिलसिलों से मुतलक आपको अपडेट करता चलूँ कि 16-17 अप्रैल से 21 अप्रैल के दौरान कश्मीर, गगन बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान समेत सुबह पंजाब के ज्यादातर बालाई वस्ती और बाज़ जनूबी इलाकों में और कराची समेत सुबह सिंध में भी बाज़ मकामात पर बादल आने और गरज चमक तेज आंधी के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर तूफानी बारिश और ओले पड़ने की तवक्को, जिसकी वजह से ईद अल फितर के मौके पर मौसम कदरे ठंडा होगा। तहम तूफानी बारिशों का असल फोकस मुल्क के बालाई और मगरबी इलाके होंगे, जहाँ बारिश की कुल मकदार 200 मिलीमीटर से ज्यादा होने और अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी है।